आज रोटरी क्लब ऑफ संबलपुर सेंट्रल सेंट्रल की तरफ से बहुत ही बड़ा सुंदर प्रोग्राम होता है, जहाँ लाखों करोड़ों खर्चा होता है, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करवा रहे हैं और लोगों को भरोसा है। और यहाँ पर लोगों को लाइन लग चुका है, 150 से लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, नाम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और हमारे सामने डॉक्टर साहब है, हाँ सर आपका नाम? संजय अग्रवाल। आज हमारे सामने डॉक्टर साहब, आपका पूरा नाम बताइए। डॉक्टर NM सोरेन। हाँ सर, कहाँ से आप आए? मैं सेल्वी से हूँ। ऐसे अहमदाबाद सेल्वी हमारा मेन जी सर, और मेनली हमारा काम है कि जॉइंट का विशेषज्ञ हूँ और जॉइंट के बारे में, और जॉइंट का जैसे कि प्रसाधन है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जी सर, तो आप सर आज टोटल कितना पेशेंट देख चुके हैं और इसके बारे में बताएं, कौन कौन सा पेशेंट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो कुछ आया होगा? हमारा मेन जो सेल्वी हॉस्पिटल है उसका CMD है डॉक्टर विक्रम आईसा, वो लगभग नहीं संबलपुर का बताइए सर, संबलपुर में आपने जो चेकअप किया तो ऐसा कोई पेशेंट नजर आया जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कुछ होगा? जी 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 जी, अभी तक की 10 पेशेंट के आसपास मैं स्क्रीन कर चुका हूँ, इनमें से 3 को मैंने एडवाइस किया हूँ कि दोनों घुटने की उनका ऑपरेशन की ज़रूरत है, नी रिप्लेसमेंट, तो इनका काफ़ी ज़्यादा नी में घिसा हुआ आ चुका है, तो उसके चलते चल नहीं पाते ढंग से, कभी कभी गिरने का भी ये सिस्टम आता है कि स्लीप हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट मैंने एडवाइस किया हूँ। चलिए सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट तो आजकल आम बात हो गया सर, जहाँ जाइए जॉइंट कहीं ज़्यादा रिप्लेसमेंट करते हैं, तो आप और कुछ आपको संबलपुर में आपको सेंट्रल जिसे रखा गया आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं संबलपुर आ गया ये चेकअप के लिए? संबलपुर बहुत ही अच्छा सिटी है और संबलपुर में हमारा बहुत सारे पेशेंट पहले से भी ऑपरेशन कर चुके हैं और यहाँ से जाते रहे, तो इनका स्क्रीनिंग के लिए और जन जागरण में जैसे कि नी के बारे में लोगों को एडवाइस देना हो, नी का तकलीफ और सर्जरी से रिलेटेड जैसे कि लोगों को डरावना है आम जनता में कि सर्जरी नहीं करना है, सर्जरी सक्सेस नहीं होता है, तो उनके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से रोटरी क्लब और सन डायग्नोस्टिक के माध्यम से यहाँ पे लोगों को जनरल नी के बारे में अवेयरनेस देने के लिए विशेष रूप से हम लोग आए हैं। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, हम भी रोटरी सेंटर वालों को धन्यवाद देंगे जो आप लोगों को बुलाए और लोगों तक पहुँचा। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की। थैंक यू।